जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपकार क्लासेस RBL में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक घातांक एवं कर्णी। इससे पहले दोस्तों हमने दो टॉपिक देखे थे, पहला टॉपिक था नंबर सिस्टम एवं दूसरा वर्ग वर्गमूल। तो जो साथी पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, वो जाकर जरूर देखें ताकि उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। तो रूल इसमें कुछ होते हैं जैसे कि घातांकीय गुणनफल। घातांकीय गुणनफल दोस्तों क्या होता है, इसमें जो है दिया रहता है जैसे a की पावर m गुड़े a की पावर n गुड़े a की पावर p। दोस्तों तो इसको लिखेंगे क्या हम, दोस्तों यहाँ देखेंगे कि बेस क्या है, समान है। रूल होता है यदि बेस समान हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं दोस्तों। तो a की पावर हम क्या लिख देंगे, इनको जोड़ के लिख देंगे m प्लस n प्लस पी। दोस्तों यही आंसर हो जाता है। जैसे कि कोई एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कह दिया जाए यक्स की पावर 2 गुड़े यक्स की पावर 5 गुड़े यक्स की पावर 3, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे, हमने बताया रूल, यदि बेस समान हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे यक्स और घातें जोड़ देंगे तो 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा दोस्तों। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला रूल आता है इसी में, घातांकीय भाग आता है दोस्तों। घातांकीय भाग, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें भी रूल होता है जैसे a की पावर m भागे a की पावर n। तो दोस्तों यहां लिखेंगे क्या इसको, इसको लिख सकते हैं हम a की पावर m अपान में a की पावर n। दोस्तों रूल होता है कोई चीज़ हर में होती है तो जब अंश में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाती है दोस्तों। इसको हम क्या लिख पाएंगे, a की पावर m गुड़े a की पावर माइनस का n हो जाएगा दोस्तों। हमने बताया था यदि बेस समान है तो घाते जुड़ती हैं। दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, जुड़ेगा तो हम जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए की पावर कितना हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, यक्स की पावर जैसे कह दिया जाए 12 और भागे यक्स की पावर 8। तो दोस्तों इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यक्स की पावर 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 8। ठीक है दोस्तों, यक्स की पावर हो जाएगा 8। तो यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, यक्स की पावर 12 तो वैसे रहेगा गुड़े यक्स की पावर हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि हर से कोई चीज़ जाती है अंश में तो माइनस में हो जाती है दोस्तों। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर क्या आएगा, यक्स की पावर यहाँ आपस में गुड़े का बेस समान है दोस्तों, तो ये क्या हो जुड़ेंगी, लेकिन जुड़ेंगी क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है हमने बताया, माइनस हो जाता है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएंगी फिर। तो 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 4 12 दोस्तों। तो यक्स का मान कितना जाएगा, यक्स की पावर 4 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अगला रूल आता है दोस्तों, घात की घात आता है दोस्तों। घात की घात, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे लिखा रहेगा आपको a की पावर m ब्रैकेट में a की पावर n, ऐसे दोस्तों लिखा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, पूरे को गुणा करके लिख देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू n लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, कह दिया जाए 2 की पावर 3 की पावर 2 दोस्तों, ऐसे लिख दें हम। इसका मान क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 लिखेंगे, इनको आपस में गुणा करते हैं दोस्तों। चाहे जितनी संख्या ब्रैकेट में, ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगी हो, तो आपस में सभी को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दुनी 3 दुनी कितना हो जाएगा, 6 दोस्तों। सॉल्व कर देंगे, इसका जो भी मान आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन आता है, जब आपको दे दे 2 की पावर 3 की पावर 2 दोस्तों, इसमें और इसमें अंतर होता है दोस्तों। यहाँ तो हम स्वतंत्र होते हैं, एक बेस लिखते हैं, इसे बेस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बेस लिखते हैं और क्या करते हैं, आपस में सबका गुणा कर देते हैं जब ब्रेकट लगा हो। लेकिन जहाँ पे जब ब्रेकट ना लगा हो तब कैसे करते हैं दोस्तों, तब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से और नीचे की ओर सॉल्व करते हुए आते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले इतने को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि ये 3 गुणे 3 लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, जैसे कह रहा 2 3 की पावर 2, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 3 जो है 2 बार है। यहीं अगर 3 की पावर 5 होता तो तात्पर्य क्या होता, कि 3 जो है 5 बार लिखा हुआ, तो हम 5 बार गुणा करके 3 को लिखेंगे दोस्तों। ठीक है,
तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर क्या हो गया, 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं आप, करके देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला रूल इसी में आता है, अगला रूल है जो दोस्तों इसको देखेंगे, ये क्या होता है, गुणनफल की घात होता है दोस्तों, गुणनफल की घात। दोस्तों जैसे लिखा होगा a इंटू बी इंटू सी की पावर, कुछ भी दे देगा दोस्तों, जैसे n दे दिया जाए, ठीक है। इसका तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पे जो ये n लिखा हुआ है, ये सबके ऊपर n लगा हुआ है दोस्तों। तो चाहे तो आप सबके ऊपर लगा के लिख दें, या बार बार ना लिखने की बजाय पूरे में ब्रेकेट लगा के लिख देते हैं दोस्तों। जब इसको अलग करके लिखेंगे तो a की पावर n लिख सकते हैं, और b की पावर n लिख सकते हैं, और c की पावर n लिख सकते हैं आप। कहने का मतलब इन सबके ऊपर n था, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, आपसे कह दिया जाए 2, 3, 4 की पावर दोस्तों, जैसे 2 दे दिया जाए, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, ये जो है 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 4 की पावर 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जो पावर होती है इन सब पे होती है, ठीक है दोस्तों। तो सब पे ना लिख के हम क्या करते हैं, पूरे पे ब्रेकेट लगा के लिख देते हैं। अगला इसी में दोस्तों टाइप आता है, अगला रूल है व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम। तो व्युत्क्रम का नियम क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम का नियम जो होता है, जैसे कह दिया जाए a की पावर m लिखा हुआ कहीं, तो इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, तो a की पावर m लिखा है तो इसको हम दोस्तों 1/ में क्या कर देंगे, a की पावर माइनस m कर देंगे। कोई चीज़ अंश से हर में जब दोस्तों आती है तो माइनस में हो जाती है, या फिर इसे जैसे हमको कहीं पे मिल जाए क्वेश्चन 1/ a की पावर m माइनस का, तो क्या लिखेंगे इसको, इसको भी हम लिख सकते हैं a की पावर m। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये माइनस में है तो अंश में जाएगा तो प्लस में हो गया, यहाँ प्लस में था तो 1/ में आया तो माइनस हो गया था, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 5 की पावर जैसे 2 दे देते हैं दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1/5 की पावर -2 लिख देंगे इसको। और यहाँ जैसे इसी को ले लिया जाए कि 1/5 की पावर -2, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। ये हर में है तो हर से अंश में जब जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला इसी में रूल आता है, जैसे कह दिया जाए कहीं पे a/b लिखा हुआ है की पावर m, इसका भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें करते क्या है, केवल इन संख्याओं को पलट देते हैं। जैसे लिख दिया जाए b/a, तो यहाँ पे दोस्तों व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, तो माइनस का m हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। संख्या जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए 2/3 की पावर -3, तो व्युत्क्रम जब दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा दोस्तों। इनको पलट देते हैं, ठीक है दोस्तों, और पलट देते हैं, उसके बाद सब कुछ वही रहता है, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह लगा होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला होता है दोस्तों घातांक का शून्य होना, घातांक का शून्य होना। दोस्तों जैसे कह दिया जाए x की पावर 0, तो इसका मान क्या होता है दोस्ततों, 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। जैसे दोस्तों 2 की पावर 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। 5 की पावर 0, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1। किसी भी, कहने का मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है दोस्तों। अगला आता है व्युत्क्रम का नियम, जो होता है इसमें व्युत्क्रम घात का नियम एक होता है दोस्तों। तो a की पावर जैसे कह दिया जाए एन है, इस बराबर b दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम घात का, तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे a/b की पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या था, 1/ हो जाएगा। जैसे ये क्या होती है दोस्तों, करड़ी होती है, करड़ी। यहाँ कुछ नहीं लगा होता तो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है दोस्तों। इसको लिखते कैसे हैं हम, x की पावर 1/2 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। यहीं पे जैसे करड़ी में हम x की पावर 3 लिख दें, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, यक्स लिखेंगे, इसका मतलब होता है 1/ कितना हो जाता है, 3 दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ जितना लग जाएगा, कुछ नहीं लगा होगा तो ऑटोमेटिक 2 होता है दोस्तों, लेकिन यदि लग जाएगा तो आपको इसका मतलब होता है 1/ में उतना संख्या लिखनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। हमारे जो दोस्तों बेसिक रूल थे, कॉन्सेप्ट थे, उनको हमने जाना। अब देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखेंगे लिखा हुआ है 16 की पावर 0.16
गुणे 2 की पावर 0.36 है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल बताए थे हम, यदि बेस समान है दोस्तों, बेस समान है तो क्या हो जाता है, घातें क्या हो जाती फिर, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 की पावर n+m। तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ तो बेस समान नहीं है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होगा कि हम सब क्या करें, पहले इनका बेस समान कर ले। तो यहाँ 2 करना है दोस्तों, 2 की पावर हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 4, और पूरे का गुणा कितना लगा हुआ है, 0.16 गुणे 2 की पावर कितना लगा है, 0.36। दोस्तों यहाँ सॉल्व करेंगे, 16 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 0.64 हो जाएगा गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। अब देखेंगे रूल लग जाएगा हमारा, ये रूल लग जाएगा अब दोस्तों कि बेस समान है तो क्या हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि बेस 2 है, और ये जुड़ जाएगा दोस्तों। तो 64.64 और 0.36 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1। हमने बताया किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1 होता है। यदि 2 की पावर 1 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जिन साथियों का 2 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देखो दोस्तों, 256 की पावर 0.16 गुणे 256 की पावर 0.09। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे कि 256 जो लिखा हुआ हमारा, तो ये क्या है, ये आप दोस्तों दो तरीके से लगा सकते हो इसको, या तो बेस समान कर लो, बेस तो पहले से समान है तोड़ लो, या डायरेक्ट देखो 256 की पावर कितना है, 0.16, यहाँ 256 की पावर 0.09। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बेस समान है तो घाते कितना हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और जब यहाँ पे आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। आप देखेंगे 256 को क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ इसको हम देखेंगे 256 जो होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 होता है दोस्तों, तो 4 की पावर 4 लिख सकते हैं आप 256 को। तो यहाँ लिखेंगे 4 की पावर 4 और गुणे दोस्तों 0.25 जो होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो कितना आता है, पॉइंट हटाते 2 अंक थे तो इसलिए 2 जीरो लिख देते हैं, काटेंगे 25 सिक्के 25 25 चौके 100। तो इतने 0.25 की जगह में दोस्तों 1/4 लिख सकते हैं। आप देख पाएंगे आप, तो 4 से ये 4 कट जाएगा, कोई चीज़ हर और अंश में होती है दोस्तों तो कट जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि कौन क्या बचा है, 4 की पावर 1 बचा है दोस्तों। 4 की पावर 1 का मान कितना होता है, 4 होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 की पावर 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36। दोस्तों यहाँ देखो 2 है और यहाँ 16 है, तो 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4, और पूरे की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.16 गुणे 2 की पावर 0.36 दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे ये आपस में गुणा कर देंगे, 16 चौके 64 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 0.64, और गुणे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 36। बेस समान हो गया, जुड़ जाएंगे फिर 2 की पावर कितना, ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और किसी की पावर हमने बताया है 1 होता तो उसका मान उतना ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 से कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा यदि 27 की पावर 2x-1 = 243 की पावर 3, तो यक्स का मान क्या होगा दोस्तों, लगाइए दोस्तों थोड़ा सा, तो आ गया होगा दोस्तों आप लोगों का आंसर। फिलहाल देखते हैं, 27 की पावर लिखा है -1 = 243 की पावर 3। 27 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 जो होता है, इसका मान कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ आप देखेंगे, हम लिखेंगे 3 की पावर 3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 = 243 दोस्तों किसकी पावर होता है, तो 3 की पावर क्या होता है, 5 होता है, और पूरे की पावर कितना लगा हुआ, 3 हम लिख देंगे दोस्तों। 243 को हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 5, इस 3 की पावर 5 का तात्पर्य है कि जो 3 है 5 बार गुणा करके लिखा हुआ है। यहाँ गुणा करेंगे तो 3 की पावर हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यक्स साथ में तो यक्स हो जाएगा, और 3 इक्के 3 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5 नहीं 15 हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि बेस क्या है, ये समान है तो रूल लगा देंगे, यदि बेस समान होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, बेस समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ जुड़ जाती हैं। तो वैसे यहाँ भी देखेंगे दोस्तों, बेस समान है ठीक है, और ये बराबर में लगा हुआ है दोस्तों, तो बराबर में है तो क्या करते हैं, ये भी बराबर हो जाती है। यदि यहाँ जब गुणे में होते तो ये समान होते, ये जुड़ जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये जब बराबर में होती है तो क्या होती है, ये भी बराबर हो जाती है। यदि बेस समान है तो ये घाते भी बराबर हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो यहाँ देखेंगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 6x
माइनस तीन बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीन उधर जाएगा तो यहाँ पे 6x बराबर कितना हो जाएगा 18, और काट देंगे दोस्तों तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो जिन साथियों का 3 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9x प्लस 1 बराबर 27, तो x की पावर x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 और x प्लस 1 है बराबर 3 की पावर 3 दोस्तों। यहाँ देखेंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ 2 बराबर 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये क्या हो गए, बराबर हो गए, तो घात भी बराबर हो जाएंगी आपस में। तो 2x प्लस कितना 2 बराबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो x का मान कितना आएगा 1/2 दोस्तों। तो आपसे लेकिन पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि 4 की पावर x + 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ 4x का मान 1/2 है और प्लस दोस्तों 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 की पावर आ जाएगा 3/2। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, आप 4 को जो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणे 3/2 दिया, तो दोस्तों ये कट जाएंगे आपस में। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 8 दोस्तों। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। तो जिन साथियों का डी ऑप्शन आ रहा था वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 की पावर 3/4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस 16 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 गुणे 3/4। बहुत आसान है क्वेश्चन दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 2 की पावर 3 आएगा, और जो इसका मान आएगा, इसका मान भी कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1/2 की पावर -1/2। दोस्तों हमने रूल बताया था, 1/2 जैसे m लिखा हुआ है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1^-m कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको भी क्या करेंगे, कोई संख्या यहाँ 1/2 में है, इसको दोस्तों पलट देते तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर कितना कर देंगे, जैसे ही 1/2 को हम लिख देंगे 2/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा दोस्तों। और 1/2 कैसे आता है, हमने रूल बताया था, यदि किसी की पावर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। दोस्तों यहाँ मान लेते हैं ये x लिखा हुआ है, तो इसकी पावर कितना है, x/1/2 लिखी हुई है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ x बराबर मान लेते हैं 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, रूट का कितना, रूट का 2। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, लगाइए दोस्तों, दिया है यदि √4n बराबर 1024 तो n का मान क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 को, इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, तो लिखेंगे 2 की पावर 2, और साथ में क्या है, तो n है, तो n लिख देंगे। ये यहाँ देखेंगे कितने की पावर क्या होती है 1024, तो दोस्तों 2 की पावर जो 10 लिखते हैं जब हम, तो क्या होता है, 1024 होता है दोस्तों। करके देखिएगा, इसका मतलब 2 जो लिखा है 10 बार गुणा करके लिखा है, लिखेंगे तब हमारा 1024 आएगा। तो यहाँ दोस्तों लिख देंगे 2 की पावर कितना 10 लिख देंगे, 2 की पावर 10 लिख देंगे दोस्तों। अब देखेंगे ये जो करड़ी है, हमने बताया इस करड़ी का मतलब होता है 1/2, तो 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, ये n गुणे 1/2 बराबर 2 की पावर 10। अब दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा, और जैसे काटेंगे 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 10। यहाँ पे यदि बेस समान हैं तो घाते भी बराबर हो जाती हैं, ये बराबर हैं तो ये घाते भी बराबर हो जाएंगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही तो पूछ रहा था, x का मान क्या होगा, या n का, सॉरी n का मान क्या होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जिन साथियों का 10 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए रखते हैं इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।